हर इंसान की अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं। अगर किसी कारणवश वह अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो फ्यूचर में वह अपने बच्चों से आशा करते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी इच्छाओं को पूरी करेंगे। मैं अपनी कविता ऐसे ही पेरेंट्स को समर्पित करता हूँ जो अपनी ज़िंदगी में एम को अचीव नहीं कर पाए और अपने बच्चों से आशा करते हैं कि उनके बच्चे उनके सपनों को पूरी करेंगे। जिंदगी से हारा हुआ एक पिता अपने बेटे से क्या कहता है, सोचा था मैं क्या बनूंगा, क्या से क्या बन गया। सोचा था आईएएस बनूंगा, एक कंपनी एम्प्लॉय बन गया। मैं जो न कर सका वह तुम कर दिखलाना, एक दिन तुम आईएएस बनकर मेरे सपनों को पूरा कर जाना। वह बेटा अपने पिता से क्या कहता है जरा गौर से सुनिएगा, पापा आप जो न कर पाए वह मैं कैसे कर पाऊंगा, आखिर तो मैं आपका ही बेटा हूँ, आपसे बेहतर कैसे कर पाऊंगा। बेटा का बात सुनकर उस पिता के आंखों में आंसू भर आते हैं। वह पिता अपने बेटा का हौसला बुलंद करने के लिए कुछ इस तरह बयान करते हैं, कोशिश तो बहुत किया पर मैं कुछ न कर पाया, क्योंकि मैं फंसा था बुरी संगत में जिससे मैं मंजिल को ही भूल गया। नहीं दिखा मंजिल का रास्ता उस दुनिया के भीड़ में, अपने लोगों तो मंजिल के रास्ते दिखाए, मेरे ही कुछ दोस्तों ने मुझे रास्ते से भटकाए। बुरी संगत से बचना ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे मंजिल का रास्ता दिखाऊंगा, मैं तेरा दोस्त बनकर तुझे मंजिल तक पहुंचाऊंगा। बस मेरी यही इच्छा है मेरे सपनों को तुम पूरा करना। वह बेटा रोते हुए अपने पिता से बहुत ही सुंदर लाइन कहता है, मुझे माफ़ करना पापा, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप जो न कर पाए वह मैं कर दिखाऊंगा, दिन रात मैं मेहनत करके आपके सपनों को पूरा कर जाऊंगा, एक दिन मैं आईएएस बनकर आपको सपनों को पूरा करूंगा। हर इंसान की